सिविल स्कोर आजकल हमारी लाइफ का काफी इम्पोर्टेंट स्कोर बन चुका है। चाहे आपको क्रेडिट कार्ड लेना हो, होम लोन लेना हो, पर्सनल लोन लेना हो, सबसे पहले सिविल स्कोर ही चेक किया जाता है। सिविल स्कोर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर बनता है, यानी आप जो भी लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसी के बेस पर आपका सिविल स्कोर अच्छा या बुरा बनता है। जैसे कि अगर आप टाइम पर क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा बनता है, और अगर आप टाइम पर पे नहीं करते तो इससे आपका सिविल स्कोर खराब होता है। ऐसे ही अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया, होम लोन लिया और आप उसकी ईएमआई टाइम पर पे करते हैं तो इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा बनता है। इसके अलावा टाइम भी एक बड़ा फैक्टर है। जितने लंबे टाइम से आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है उतना ही आपका सिविल स्कोर अच्छा बनता जाता है। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपना सिविल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, और अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कोई फेक लोन शो होता है, ऐसा लोन जो आपने नहीं लिया, तो आप उसकी रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप फ्री में अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स की दो प्रॉब्लम है। एक तो इन पर आपको कंप्लीट डिटेल्स नहीं मिलती है, और दूसरे ये आपके डेटा को शेयर करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी फ्री प्लेटफॉर्म से अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं तो आपके पास अलग अलग कंपनी से ईमेल्स और कॉल्स आने लगते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिविल का एक महीने का पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिसके लिए आपको 550 रुपीज का पेमेंट करना होता है। लेकिन इन 550 रुपीज में आपको सिविल डैशबोर्ड मिल जाता है, जिससे आप अपना लेटेस्ट सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। आप सही क्रेडिट डिसीजंस ले सकते हैं, और आपके सिविल स्कोर के बेस पर आपको लोन ऑफर्स भी मिलते हैं। इसके लिए आप सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिसके लिए आप एक ईमेल आईडी यहां पर डालेंगे, और जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप यहां पर टाइप करेंगे। नेक्स्ट टाइम अपना सिविल स्कोर चेक करने के लिए आप सिविल वेबसाइट पर आएंगे और आपको यही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। तो इसमें आप एक ईमेल आईडी और पासवर्ड चूज करिए। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालिए। इसमें आप एक आईडी चूज कर लीजिए, जिसमें हम चूज कर लेते हैं पैन। इसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे, नीचे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहां डालकर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कोई अपना डिवाइस यूज कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं तो इसको आप यस करेंगे, लेकिन अगर आप कोई पब्लिक डिवाइस यूज कर रहे हैं तब आप इसको नो रखेंगे। जैसे कि मैं इसको यस कर देता हूं, इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद आपको 550 रुपीज का पेमेंट करना होगा। यहां से आप चेंज कर सकते हैं कितने टाइम का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, जैसे कि हमें एक महीने का चाहिए। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। आप अपने कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यूपीआई से पे करना है तो मैं यूपीआई चूज करूंगा। किस ऐप से पे करना है वो आप यहाँ पर चूज करेंगे, और यहाँ पर अपना यूपीआई एड्रेस डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, साथ ही आपके सामने नेम भी आ जाएगा। आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके उसी ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आपने चूज किया है। पे पर क्लिक करेंगे, अपना यूपीआई पिन डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं, गो टू डैशबोर्ड। इम्प्रूवमेंट के लिए इसमें आप अपनी कुछ और डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी सिटी यहां पर चूज कर लीजिए, इनकम टाइप आप यहां पर चूज कर लीजिए, अपनी मंथली इनकम आप यहां पर डाल दीजिए। इसके बाद गेट योर पर्सनलाइज्ड ऑफर नाउ पर क्लिक करेंगे। ये है आपका डैशबोर्ड, इसमें आप अपनी सभी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप अपना सिविल स्कोर देख सकते हैं। सिविल स्कोर 300 से लेकर 900 के बीच में होता है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ऑफर्स आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, ऑटो लोन, ये सभी ऑफर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहीं से आप लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्रेडिट समरी मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि आप पर अभी कितना लोन बाकी है। इसमें आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में आपने कितने लोन अकाउंट्स ओपन किए हैं, कितना क्रेडिट अवेलेबल है और कितनी बार इंक्वायरीज की है, वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको क्रेडिट रिपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। समरी रिपोर्ट पर क्लिक करके आप एक समरी देख सकते हैं। इसमें आपका सिविल स्कोर आ जाएगा, करंट बैलेंस आ जाएगा, अमाउंट ओवरड्यू यहाँ पर आ जाएगा, कितने अकाउंट्स थे उसमें से कितने ओपन है, कितने क्लोज कर दिए गए हैं, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। लेट पेमेंट काउंट आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 3 सालों का, और
पिछले एक साल का। जितनी भी आप लोन इंक्वायरीज करते हैं वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, इम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं आपने कब कहाँ से कितना लोन लिया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अकाउंट की डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे कि हमें ये पर्सनल लोन चेक करना है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अमाउंट देख सकते हैं, किस डेट को आपने लिया है, और यहीं से आप पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इंक्वायरी आ जाएगी कि आपने कब कब कहाँ से लोन लेने के लिए इंक्वायरी की है और कितने अमाउंट के लिए इंक्वायरी की है। अगर आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री में ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन मिलता है जो आपका नहीं है, जैसे कि कोई लोन लिया गया है लेकिन वो लोन आपने नहीं लिया है, या कोई लोन इंक्वायरी की गई है लेकिन वो लोन इंक्वायरी आपने नहीं की है, तो आप डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आप क्रेडिट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, इसमें आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे और रेज ए डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिस्प्यूट एंड आइटम पर क्लिक करेंगे। जो डिटेल्स भी आपको सही नहीं लगती है उसको आप टिक करेंगे। जैसे कि मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ, इसमें यहाँ पर ये दो लोन लिए गए हैं लेकिन ये मैंने नहीं लिए हैं और इनकी वजह से मेरा क्रेडिट स्कोर काफी खराब हो गया है, तो मैं इनको डिस्प्यूट करूंगा। इसमें यहाँ पर टिक करेंगे, ये मेरा अकाउंट नहीं है। इसके बाद सेकंड ये है, ये भी मैंने नहीं लिया है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको भी यहाँ पर मैं टिक कर दूंगा, ये मेरा अकाउंट नहीं है। तो इस तरह से अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कोई भी ऐसा लोन शो हो रहा है जो आपने नहीं लिया है तो आप उसको डिस्प्यूट करेंगे। इंक्वायरीज पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके सामने इंक्वायरीज आ जाएगी, जैसे कि इस लोन की इंक्वायरी मैंने नहीं की है तो इसको मैं टिक करूंगा, यस कर दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर आप सभी को टिक करेंगे जो सही नहीं है और नीचे स्क्रॉल करके सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट डिस्प्यूट पर क्लिक कर देंगे, आपका डिस्प्यूट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद ये लेंडर के पास सेंड किया जाएगा जिसने ये लोन प्रोवाइड किया था। अगर ये सही नहीं पाया जाता है तो वो इसको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से रिमूव कर देगा। इसके बाद आपका सिविल स्कोर सही हो जाएगा। सो इस तरह से आप अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में अगर कोई रॉन्ग ट्रांजेक्शन होता है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।